अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कुकिंग विद आमना में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हम लेके आए हैं वेजिटेबल्स रायता। वेजिटेबल्स रायते के लिए सबसे पहले जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ले लिया है हमने ऑनियन, अच्छे से हमने इसको चॉप कर लिया है, ये पीस, ये कैरेट, क्यूकम्बर, टोमाटो एंड पोटैटोस। योगर्ट, फ्रेश योगर्ट है, ये भी हमने ले लिया है। अभी हम इसको अच्छे से, योगर्ट तो पहले हम एक बोल में अच्छे से बीट करेंगे। पैकिंग इसकी हम ओपन कर लेते हैं। अच्छे से हम ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्रेश टेस्टी हमारा ये योगर्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से मैंने इसके अंदर डाल लिया है दही। अच्छे से हम इसको बीट करेंगे, जो इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो नहीं रहनी चाहिए। बहुत ही क्रीमी शक्ल में हम इसको रेडी करेंगे। अच्छे से आप इसको फेंट लें, गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें, क्रीमी शक्ल में आपने इसको रेडी करना है। तो जी अच्छे से हमने इसको बीट करके अच्छे से फेंट कर दही को क्रीमी शक्ल में हम ले आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं वेजिटेबल्स, ये पोटैटो, क्यूकम्बर, कैरेट। इतना ये मज़ेदार रायता रेडी होगा, इतना मज़ेदार कि आप खाते रह जाएंगे, बार बार मांगेंगे कटोरी भर भर के, स्पून के साथ वैसे ही खाएंगे आप। इतना ये मज़ेदार रायता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दावतों में भी इसको ज़रूर बनाएगा और मेहमान तो आपकी तारीफ़ें करते हुए जाएंगे। ये भी साथ में हम शामिल कर देंगे, प्याज, टमाटो और ये मटर, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी बनाना है, वरना आप सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करें। इसी के साथ हम शामिल करेंगे ये नमक, हसबे ज़रूरत आप नमक शामिल कर लें, और आपको पता है रायते में तो ज़ीरा जाता ही है, तो वो भी आप इस्तेमाल करें। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये ज़ीरा। और हाफ काली मिर्च ये भी शामिल करेंगे और हम इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। नमक, काली मिर्च और ज़ीरा डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर लिया हमने इसको मिक्स। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कलरफुल हमारा रायता रेडी है। खीरा, टमाटर, आलू, मटर, दही, सारी चीज़ें, इतना टेस्टी ये रायता बनता है कि मेहमान जो है सारी डिशेस को छोड़ के रायते का तो खाएंगे और बार बार मांगेंगे, इतना ये टेस्टी है। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ हम शामिल करेंगे ये धनिया, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स और हम सर्विंग बाउल में डाल कर आपसे दोबारा मिलते हैं। जी हमने ले लिया है, अभी हम अपना सर्विंग बाउल ले लिया है, अब हम इसके अंदर निकाल लेते हैं। सर्विंग बाउल के अंदर हम ये रायता ऐड कर लेते हैं, जितना रायता इसमें डलेगा डाल लेंगे, बाकी हम अलग से रख लेंगे। तो अभी हम ये डाल लेते हैं अपना रायता। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है रायता, बहुत ही मज़ेदार, आप देख सकते हैं कलरफुल रायता रेडी है। अब हम इसके साथ शामिल करेंगे ये धनिया, कुछ थोड़ा सा धनिया पत्ते हम शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम थोड़ा सा, चुटकी सा हम ये ज़ीरा शामिल कर देंगे। ये लें जी हमारी अभी ये डिश रायता हमारा रेडी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेहमान आए, मैंने ये रायता बनाया और भी बहुत सी डिशेस बनाई, लेकिन ये मेरे लिए नहीं बचा। आप भी इसको ज़्यादा बना लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए भी नहीं बचेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें, शेयर कर दें अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। और अगर आपको ये मेरा ये मज़ेदार टेस्टी ये वेजिटेबल्स रायता आपको पसंद आया हो तो इसको आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अभी आप नई वीडियो के साथ। कुकिंग विद आमना को दी इजाज़त बहुत ही नेक दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपको सबको अपने अपने घरों में महफूज रखे, देश और प्रदेश वालों की खैर हो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।